राजस्थान के बहुचर्चित रीट पेपर लीक की वांटेड आरोपी किरण जाट आखिरकार चढ़ी पुलिस के हत्थे। करीब 3 साल बाद महिला आरोपी किरण जाट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किरण जाट के ऊपर था 25,000 रुपए का इनाम। जोधपुर की साइक्लोनर टीम ने किरण जाट को दबोचा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालत बने गंभीर। दिल्ली NCR गैस के चेंबर में हो गया है तब्दील। सबसे ज्यादा आज दर्ज किया गया है AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। 300 के पार पहुंचा दिल्ली NCR का AQI। जम्मू कश्मीर की डल झील में महिलाओं के लिए पहली बार आयोजित की गई पारंपरिक नौका दौड़। वाटर स्पोर्ट किंग एंड कैनॉन नोइंग संगठन की ओर से आयोजित नौका दौड़ कार्यक्रम में करीब 150 महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं को सशक्त बनाना और वाटर स्पोर्ट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है कार्यक्रम का मकसद। त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी तौर पर लगा दी गई है रोक। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद रेलवे ने लिया फैसला। आर्थिक राजधानी मुंबई में आज न्यूनतम तापमान 25.99 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई में छाए रहेंगे बादल। अधिकतम तापमान 28.15 सेल्सियस रहने की है उम्मीद।